हेलो नमस्कार आदाब सलाम शास्त्रीय काल के मछो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहां सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप केमो नाचो मनक कम खम्भा गणि हुकुम केंती अच्छंती की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला लग्न की कुंडली में आखिर केतु का क्या फल होता है। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है अथवा किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि केतु की महादशा अंतरदशा जब आएगी तो उसे क्या फल मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में आप इस वीडियो को देख करके जान सकते हैं। लेकिन तुला लग्न तुला राशि वाले एक चीज को आप विशेष ध्यान दें, एक चीज को विशेष समझें कि अगर आपके जीवन में धन से संबंधित समस्या है, अगर आपके जीवन में नौकरी से संबंधित परेशानी है, बिजनेस व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, दुश्मन ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, सुख के साधनों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, जमीन मकान गाड़ी ये सब मिल नहीं पा रहा है आपको, तो आप निश्चित तौर पर में एक रत्न धारण करें जिसका नाम है ब्लैक स्टोन। ये शनि का रत्न है, इसको धारण करने से आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। लेकिन इसको अकेला नहीं धारण करना है, इसके साथ साथ आपको करना है ये टाइगर और ब्लैक स्टोन दोनों धारण करें। ये दोनों रत्न मैं आपको मात्र 1000 रुपए में उपलब्ध करवा दूंगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, जीवन को बदलने वाला साबित होगा। 6 महीने पहने, फिर 6 महीने में इसको बदल के दूसरा पहन लें। थोड़ा सा बजट आपका अगर बढ़िया है तो ये धारण करें, ये स्फटिक है, ये धारण करें, ये भी आपके जिंदगी को बदलेगा और ये उससे थोड़ा सा बढ़िया है। ये 2500 रुपए का रत्न है, ये आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। इस दोनों के बदले में अकेला ये काम करेगा। इससे थोड़ा सा अच्छा अगर बजट है तो आप ओपल धारण करें, 5000 रुपए खर्च होंगे, और उससे भी थोड़ा सा बजट बढ़िया है तो 15000 रुपए खर्च होंगे आपके, ओपल फायर आप धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जीवन को चमत्कारिक तौर पर में बदल देगा। धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट रत्न जरूर मिलेगी। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। केतु अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है तुला राशि में, और शुक्र भी अगर अच्छे जगह पर में है, तो आपको बुद्धि में वृद्धि होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, युक्ति जुगाड़ वगैरह बहुत आएगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान का सुख और अचानक से धन लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी का सुख काम वासना की पूर्ति होगी। नवम दृष्टि नवम भाव पर में, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र अच्छे जगह पे नहीं है तो ये केतु आपको मानसिक तौर पर परेशानी बेचैनी देगा, संतान के सुख में कमी देगा, अचानक से धन हानि देगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी देगा और भाग्य का साथ नहीं मिलने देगा। केतु अगर कुंडली के दूसरे भाव में है देवी और सज्जनों, तो वृश्चिक राशि में केतु उच्चिका हो जाता है, तो यहाँ धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपको बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों से सपोर्ट मिलेगा, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, कर्ज समाप्त होगा, काम में रुकावट बाधाएं दूर होंगी और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। केतु अगर कुंडली के तीसरे भाव में है देवी और सज्जनों, तो ये आपके धनु राशि में भी केतु उच्चिका होता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य को मजबूत करेगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को दूर करेगा, जीवन साथी का सुख देगा, भाग्य का साथ देगा और आमदनी में वृद्धि करवाएगा। केतु अगर कुंडली के चौथे भाव में शनि के घर में है और शनि भी बढ़िया जगह है, तो सुख में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा, कार्य के बाधाओं को दूर करेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता से लाभ मिलेगा और विदेश से भी लाभ होगा। लेकिन अगर शनि सही जगह पर में नहीं है तो यही केतु सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन, माता के लिए परेशानी, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति, हर काम में रुकावट बाधा के योग और काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, पिता को लेकर के परेशानी, धन हानि के योग और अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। केतु अगर कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों, शनि अगर बढ़िया जगह पर में है तो संतान का सुख, विद्या और बुद्धि का सही लाभ, अचानक से धन लाभ के योग, भाग्य का साथ मिलना, लाभ में वृद्धि और मानसिक तौर पर में परेशानी को दूर करना। लेकिन अगर केतु अगर यहाँ बैठा है और शनि विपरीत स्थिति में है, तो पेट से संबंधित परेशानी,
और विद्या बुद्धि का सही साथ ना मिलना, संतान को लेकर के चिंता, भाग्य का साथ ना मिलना, लाभ में कमी और मानसिक तौर पे परेशानी का योग बनेगा। केतु अगर कुंडली के छठे भाव में है तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, मुकदमा, केस, अपयश, कलंक, शोक, दुख, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, पिता को लेकर के परेशानी, धन हानि का योग और बैंक बैलेंस का खत्म होना और परिवार से टेंशन तनाव। केतु अगर कुंडली के सप्तम भाव में है तो जीवन साथी के साथ परेशानी, विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार का अच्छा ना चलना, पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी और लाभ में कमी, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में भाग्य का साथ ना मिलना, नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में अर्थात पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना। केतु अगर कुंडली के अष्टम भाव में है देवी और सज्जनों, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति आएगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, हर काम में रुकावट बाधा के योग आएंगे, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में अर्थात वाणी में दोष की स्थिति, पैसा का खत्म होना, नवम दृष्टि चौथे भाव पर में यानी कि सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला रिगार्डिंग टेंशन तनाव। केतु अगर कुंडली के नवम भाव में है, नवम भाव में अगर केतु है देवी और सज्जनों, तो भाग्य का साथ ना मिलना, धर्म के पालन करने में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव, पंचम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में तो दिमागी तौर पे परेशानी, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में प्राक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर हो, नवम दृष्टि पंचम भाव पर में अचानक से धन हानि के योग। केतु अगर कुंडली के दसम भाव में है, पिता पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव के योग, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में यानी कि धन धान्य संपत्ति की कमी, पारिवारिक टेंशन, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी। केतु अगर कुंडली के एकादश भाव में है तो लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, इच्छा पूर्ति में कमी, पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के परेशानी, अचानक से धन हानि, पेट से संबंधित परेशानी, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता। केतु अगर कुंडली के बारहवें भाव में है तो धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी के योग, पैसा का ज्यादा खर्च होना, पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का रिगार्डिंग टेंशन तनाव, और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो आपको बता दूं कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक और दुख, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में यानी कि क्या होगा, काम में रुकावट और बाधाओं के योग, दुर्घटना के योग। ये केतु का प्रभाव है आपके लिए, किस भाव में रहेगा, क्या फल देगा, हमने आपको वो बताया, बड़ा संक्षिप्त में बताया है। विस्तार पूर्वक कुंडली की जानकारी अगर चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप जरूर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।